गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कानपुर हत्याकांड के बाद गोरखपुर जिले के सभी बदमाशों की सूची की समीक्षा करने के लिए पहुंचे नोडल पुलिस अधिकारी एडीजी एटीएस ध्रुवकांत ठाकुर। कोतवाली थाने का क्या निरीक्षण, शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर डीएम ने मोहद्दीपुर स्थित शकुंतला हॉस्पिटल को किया सील। एसडीएम सदर ने कहा करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाकर ही करें कार्य। कोतवाली थाने की पुलिस ने माफिया विनोद उपाध्याय को किया गिरफ्तार। विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर भेजा जेल। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने किया खुलासा। कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन। एडीएम सिटी ने कहा शनिवार रविवार को ही रहेगी साप्ताहिक बंदी। तिवारीपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सूरजकुंड स्थित प्राचीन शक्ति मंदिर की दान पेटी को तोड़कर चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1200 रुपए नकदी की बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर जिले में मिले कोरोना के 35 नए मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 991। इसमें 536 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। 433 कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा इलाज। अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने अवैध मिश्रित कच्ची शराब कारोबारी 4 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 120 लीटर अवैध अपमिश्रित जानलेवा शराब और एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। 2 दिनों के साप्ताहिक बंदी के आदेश के बाद शनिवार को महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एसपी सिटी ने जनता से की अपील, कहा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए करें बंदी का पालन। और 18 जुलाई को पैसा जमा करने की नोटिस पर बैंक पहुंचे स्टैंप वेंडरों को बैंक बंद होने पर लौटना पड़ा वापस। स्टैंप वेंडरों ने बैंक प्रबंधन पर मनमानी का लगाया आरोप।